हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव के न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने दिल्ली पुलिस में कॉन्स्टेबल एग्जीक्यूटिव के खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। कैसे आप सभी एलिजिबल कैंडिडेट्स बिना कोई मिस्टेक किए हुए इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म फिल कर सकते हो, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप के बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। तो गाइस, बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट indsarkarinaukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहां पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग पूरी डिटेल प्रोवाइड करा दी गई है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC कॉन्स्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल और फीमेल के दिल्ली पुलिस में 6000 के लगभग खाली पदों को भरने जा रहे हैं। यहाँ पर आप 1 सितंबर 2023 से 30 सितंबर 2023 तक अप्लाई कर सकते हो। 12वीं पास कैंडिडेट ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन में आकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करना है और इस भर्ती के नोटिफिकेशन को ओपन करके उसमें से आपको पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। पूरी डिटेल रीड करने के बाद आपको अप्लाई करना है। अप्लाई के लिए भी लिंक आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, यहीं पर ही आपको अप्लाई ऑनलाइन का ये लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने SSC का ये ऑफिशियल पोर्टल खुल जाएगा। यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको अपना यूजर नेम या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करने के बाद अपना पासवर्ड एंटर करना है और ये कैप्चा कोड यहाँ पर फिल करके लॉगिन बटन पर क्लिक करके लॉगिन कर लेना है और फिर अपना फॉर्म फिल करना है। और अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है बट आप अपना पासवर्ड भूल गए हो तो आपको फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक करके अपना पासवर्ड रिकवर कर लेना है। और अगर यहाँ पर आप बिल्कुल न्यू हो, SSC की किसी भी रिक्रूटमेंट के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो यहाँ पर आपको न्यू यूजर रजिस्टर नाउ इस लिंक पर क्लिक करना है और अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है। इस लिंक पर क्लिक करते ही आपके सामने रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन के पेज का व्यू आपके सामने कुछ इस तरह से शो हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी बेसिक डिटेल्स एंटर करनी है और अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको बताना है कि क्या आपके पास आधार कार्ड है, यस या नो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। नो अगर आप सिलेक्ट करते हो तो यहाँ से आपको दूसरी आईडी सिलेक्ट करनी होगी, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड। और अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आपको यहाँ से यस सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर सबसे पहले अपना आधार नंबर एंटर करना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर एक बार फिर से अपना आधार नंबर डालना है। अगर आप यहां पर आधार कार्ड सिलेक्ट करते हो तो यहां पर आपके सामने आईडी का ये कॉलम डिसेबल कर दिया जाएगा। उसके बाद यहां पर आपको अपना नाम एंटर करना है। नेक्स्ट यहां पर आपको नाम अपना एक बार फिर से एंटर करना है। उसके बाद यहां पर आपको बताना है कि क्या आपने कभी अपना नाम चेंज किया है या फिर नहीं। यस अगर आप करते हो तो वो नाम यहाँ पर आपको एंटर कर देना है और अदरवाइज आपको यहाँ पर नो सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम एक बार फिर से एंटर करना है। यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स दो बार एंटर करनी है वेरीफाई करने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी मदर का नाम एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक बार फिर से अपनी मदर का नाम एंटर करना है। फिर आपको यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है। आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ एक बार फिर से यहाँ पर वेरीफाई करनी है, मीन्स इस कैलेंडर में से अपनी डेट ऑफ बर्थ आपको एक बार फिर से सिलेक्ट कर लेनी है। और यहाँ पर आपको अपनी मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th क्लास के एग्जामिनेशन की डिटेल प्रोवाइड करानी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना एजुकेशन बोर्ड सेलेक्ट करना है। एजुकेशन बोर्ड यहाँ पर आपको एक बार फिर से वेरीफाई करना है, यानी कि दोबारा से आपको अपने एजुकेशन बोर्ड का नाम यहाँ पर एंटर करना है, सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी 10th क्लास का रोल नंबर एंटर करना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर अपना रोल नंबर एक बार फिर से एंटर करके वेरीफाई कर लेना है। सेम नंबर आपका यहाँ पर होना चाहिए जो आपने ऊपर एंटर किया है। उसके बाद यहाँ पर आपको पासिंग ईयर बताना है अपनी 10th क्लास का, कि कौन से साल में आपने अपनी 10th क्लास पास की थी। नेक्स्ट यहाँ पर आपको वो पासिंग ईयर एक बार फिर से सिलेक्ट कर लेना है और फिर आपको यहाँ पर अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल, फीमेल या फिर ट्रांसजेंडर। और यहाँ पर आपको अपना जेंडर एक बार फिर से वेरीफाई करना है। यहाँ पर आपको एवरी फील्ड 2 टाइम फिल करनी है या फिर सिलेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ पर लेवल ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको सेलेक्ट करना है कि आप कितने क्वालिफाइड हो।
हायर सेकेंडरी एजुकेशन, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर आप अपनी हायर क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। मोबाइल नंबर आपको एक बार फिर से वेरीफाई करना है, यानी कि एक बार फिर से आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करना है। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है, उसको एक बार फिर से आपको वेरीफाई कर लेना है, यानी कि आपको एक बार फिर से अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर करनी है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको सेव बटन पर क्लिक करना है। सेव बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर एक पॉपअप शो होगा। यहाँ पर आपको बताया गया है कि एक ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर और एक ईमेल आईडी पर सबमिट होगा। अलग अलग दोनों ओटीपी होंगे, उनको आपको कन्फर्म करना है। फिर आपको यहाँ पर कन्फर्म बटन पर क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पर क्लोज बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। आपको अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर जो ओटीपी आया है उनको भी यहाँ पर वेरीफाई करना है। ओके पर आपको क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहाँ पर एसएससी का ये ऑफिशियल पोर्टल खुल जाएगा। होम पेज पर आपको यहाँ पर अपना यूजर रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड एंटर करने के बाद ये कैप्चा फिल करना है और फिर लॉगिन कर लेना है। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर सबमिट कर दिया गया है। वहां से आपको अपना यूजर नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड एंटर करना है और लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने यहां पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। यहां पर आपको सबसे पहले अपना पासवर्ड चेंज करना है, ये मस्ट है। सबसे पहले यहां पर आपको अपना ओल्ड पासवर्ड डालना है, जो पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर या फिर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर आया है वो पासवर्ड आपको यहां पर डालना है। और फिर आपको यहां पर अपना न्यू पासवर्ड क्रिएट करना है। याद रहे, आपका पासवर्ड अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए, एटलीस्ट 8 कैरेक्टर यहाँ पर। जी हाँ दोस्तों, 8 कैरेक्टर का मिनिमम आपका पासवर्ड होना चाहिए। हम आपको दिखाते हैं कि कैसे आप अपना अल्फा न्यूमेरिक पासवर्ड क्रिएट कर सकते हो। गाइज, आपको अपने अल्फा न्यूमेरिक पासवर्ड में एक कैपिटल लेटर लेना है, उसके बाद आपको कोई भी स्मॉल लेटर ले लेना है, फिर आपको एक स्पेशल साइन जैसे कि @$ या फिर हैश ले लेना है, उसके बाद एक न्यूमेरिकल नंबर यहां पर आपको लेना है, यानी कि नंबर आपके पासवर्ड में होना चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आप कुछ भी ले सकते हो। हम आपको जस्ट ये एक सैंपल के तौर पर दिखा रहे हैं, आपका पासवर्ड इस फॉर्मेट में होना चाहिए। तो अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में अपना पासवर्ड यहाँ पर सेट करने के बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है। पासवर्ड आपको यहाँ पर 2 बार एंटर करना होगा न्यू पासवर्ड फील्ड में और यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड फील्ड में। सबमिट करने के बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से मैसेज शो हो जाएगा कि आपका पासवर्ड सक्सेसफुली चेंज हो चुका है। अब आपको दोबारा से लॉगिन करना है। क्लोज पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपना यूजर नेम या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करने के बाद अब अपना न्यू पासवर्ड एंटर करना है, जो अभी अभी आपने अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में क्रिएट किया है। उसके बाद यहाँ पर यह कैप्चा एंटर करना है और फिर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर आपको सभी फील्ड्स फिलअप मिलेंगी, क्योंकि रजिस्ट्रेशन टाइम पे आपने अपनी सभी डिटेल्स एंटर की थी। बस यहाँ पर आपको अब नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर आपको अपनी एडिशनल और कॉन्टैक्ट डिटेल्स प्रोवाइड करानी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, जनरल, EWS, OBC, SC या फिर ST। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी एक बार फिर से वेरीफाई करनी है। आपको यहाँ पर मोस्टली सभी फील्ड्स 2 बार एंटर करनी है या फिर सिलेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी नेशनलिटी सिलेक्ट कर लेनी है। नेशनलिटी सिलेक्ट करने के बाद आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क्स यहाँ पर एंटर करना है। अगर आपकी बॉडी पर कहीं कोई कट या फिर तिल का निशान है, आप उस पैलेस का नेम यहाँ पर एंटर कर सकते हो। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज यानी कि PWBD से बिलोंग करते हो, यस या नो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। यस अगर यहाँ पर आप सेलेक्ट करते हो तो उस डिसेबिलिटी का टाइप आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है और अपनी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का नंबर फिर आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। और अगर आप नो यहाँ से सेलेक्ट करते हो तो आपको ये डिटेल्स फिल नहीं करनी है, ये ऑटोमेटिकली ऑफ कर दी जाएंगी। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है और फिर अपना पिन कोड यहाँ पर आपको एंटर करना है। पिन कोड एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर बताना है कि क्या आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है, तो आपको यहाँ पर यस पर क्लिक कर देना है। और अगर सेम नहीं है तो यहाँ पर आपको नो पर क्लिक करके अपना प्रेजेंट एड्रेस इस फील्ड में एंटर कर देना है। फिर आपसे यहाँ पर अगर आप इंडिया से अलग किसी कंट्री से बिलोंग करते हो तो उसकी नेशनल डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल करनी है। अगर आपने इंडिया ऊपर सेलेक्ट किया है अपनी नेशनलिटी में, तो आपको यहाँ पर ये फील्ड
डिसेबल कर दी जाएगी। सभी डिटेल्स यहाँ पर फिल करने के बाद आपको सेव बटन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहाँ पर मैसेज शो हो जाएगा कि आपकी एडिशनल और कॉन्टैक्ट डिटेल्स सक्सेसफुली सेव हो चुकी है। अब आपको यहाँ पर क्लोज पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपके सामने डिक्लेरेशन सेंटर खुल जाएगा। आपको यहाँ पर आई एग्री इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर फाइनल सबमिट बटन पर क्लिक करना है। फाइनल सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल और ईमेल आईडी पर दो ओटीपी आएंगे। आपको उन्हें यहां पर एंटर कर देना है। मोबाइल ओटीपी फील्ड में मोबाइल का ओटीपी और ईमेल आईडी फील्ड में ईमेल का ओटीपी आपको फिल करना है। उसके बाद आपको यहां पर ये कैप्चा एंटर कर देना है और फिर सबमिट बटन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहां पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। यहां पर आपको बताया जा रहा है कि आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। रजिस्ट्रेशन नंबर आपको प्रोवाइड करा दिया गया है ऑलरेडी ही। बस आपको यहां पर ओके क्लिक करना है। नेक्स्ट आपको आपके डैशबोर्ड में एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जामिनेशन 2023 का सेक्शन मिल जाएगा। वहां पर आपको अप्लाई के लिंक पर क्लिक करना होगा। फिर आपको आपकी कुछ डिटेल्स ऑटोमेटिकली फिल मिल जाएगी जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे फिल की थी। अब बस यहां पर आपको सबसे पहले एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट कर लेने हैं। आपको तीन चॉइसेस यहां पर प्रोवाइड कराई गई है। आपको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहां पर तीन एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट कर लेने हैं। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप ईएक्स सर्विसमैन हैं, अगर है तो यस करें और फिर उसकी डिटेल दें, नहीं है तो यहां पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहां पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप एज में रिलेक्शन चाहते हैं, अगर चाहते हैं तो यस करें और फिर अपना रिलेक्शन कोड यहां पर सिलेक्ट कर ले, और अगर आप एज में रिलेक्शन नहीं चाहते हैं तो यहां पर आपको नो ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर कैंडिडेट है, अगर है तो यस करें और फिर अपने सर्टिफिकेट की डिटेल यहां पर प्रोवाइड करा दें, नहीं है तो यहां पर आपको नो ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट आपको यहां पर अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन सिलेक्ट कर लेनी है। फिर यहां पर आपको अपनी क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लेनी है 12th क्लास। यहां पर एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए आपका 12वीं क्लास पास होना जरूरी है किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या फिर स्कूल से। उसके बाद यहां पर आपको अपनी क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करानी है। यहां पर आपको सबसे पहले बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको अपना रोल नंबर यहां पर एंटर करना है, सब्जेक्ट्स अपने यहां पर एंटर करने हैं, पासिंग ईयर आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको अपनी परसेंटेज यहां पर बतानी है। सीजीपीए में अगर स्कोर है तो आपको यहां पर अपना सीजीपीए प्रोवाइड कराने है। उसके बाद यहां पर आपको आपका एड्रेस ऑटोमेटिकली फिल मिल जाएगा। फिर यहां पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको डिक्लेरेशन सेक्शन में आकर इन सभी डिटेल्स को रीड करना है। आई एग्री चेकबॉक्स को ओके करना है। ये कैप्चा कोड आपको यहां पर फिल करना है और फिर आपको प्रीव्यू बटन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक प्रीव्यू चेकआउट कर लेना है और उसके बाद आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर देना है। यहां पर अगर आप, जी हां दोस्तों, अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट होंगे तो फॉर्म सबमिट करने के बाद आपके सामने पेमेंट गेटवे का ऑप्शन खुल जाएगा। आपको 100 रुपए फीस के रूप में जमा कराने होंगे ऑनलाइन मोड में। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट हो या फिर वुमेन कैंडिडेट हैं तो आपको कोई फीस का अमाउंट जमा नहीं कराना होगा। आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको अपने डैशबोर्ड में आकर एप्लीकेशन स्टेटस के लिंक पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस चेकआउट कर लेना है और प्रिंट के लिंक पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों, ऐसे आप एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।